दोस्तों आज के वीडियो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है या वुमेन के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को कुछ लोगों की देखने की औकात नहीं है, क्योंकि उनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। मैं उससे कहता हूँ कि यार तुम्हारा सही है। हम फिल्म की फर्स्ट डे, फर्स्ट शो और फर्स्ट लाइन में दो दो घंटे से लगे रहते हैं, और तुम पहुंचो, बाल सीधे करो, लिपस्टिक लगी नहीं, और तुम्हारा बस इतना कहना कि भैया टिकट दे दो और तुम्हें मिल जाती है। और हम यहाँ धक्के पे धक्के लगे पड़े हैं भाई। तुम्हारा सही है, जहां मर्जी बस स्टैंड बनवा दो, जहां रुके वहीं बस स्टैंड। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि बस यही तो नहीं चाहिए। यही कह के तुम हमें छोटा दिखला देते हो, और शायद तुम्हें पता नहीं है कि आज ना तो लड़कियां लड़कों से कम है और ना ही औरतें मर्दों से कम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक लेडी जो इंस्पायर करती है उन सभी लोगों को, वुमेन को तो करती है साथ में हम जैसे लोगों को भी, तो आज के इस वीडियो में मैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो दोस्तों 56 साल की इसरो की महिला वैज्ञानिक मंगला मणि ने अंटार्कटिका जैसे बेहद ठंडे और दुर्गम स्थान पर एक साल से भी अधिक टाइम निकाल के एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बर्फीले महाद्वीप पूरे 403 दिन अपने बिताए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि -90 डिग्री में, वो भी पूरे एक साल रहना, कैसे दिन बीतते होंगे भाई? यहाँ तो दिल्ली के लौंडों की हालत खराब हो जाती है जब ठंड में एक या दो पहुंचती है तो। और जब वो वहां से लौटी तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी लाइन कही जो आई एम श्योर भारत की सभी महिलाओं को एक नया जीवन देने में थोड़ा सा चिंगारी का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेन मे हैव फिजिकल स्ट्रेंथ बट वुमेन आर इमोशनली स्ट्रांग। तो हम बेसिकली जिस कैटेगरी में रहते हैं, जिस क्लास में रहते हैं, 30 से 35 हुआ नहीं कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। नए प्लान करना, कुछ करना, नई चीजें सोचना सब बंद। करना तो दूर की बात है, सोचना ही बंद। बहुत कम समय मैंने अपनी माँ के साथ बिताया, लेकिन मुझे याद है कि बड़ा अजीब सा जादू होता है इस माँ की चरणों में। जितना झुकता हूँ उतना ऊपर चला जाता हूँ। तो फिर आता हूँ मैं अपने उस दोस्त पे। मैंने उससे कहा यार तुम लोग हर बात पे नाराज हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि भाई हम बहुत ज्यादा ही गलत कर रहे हैं अगर तुमसे बात कर ली या कुछ तुम्हें कह दिया। तो उसने कहा यार हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, बट इनसिक्योर फील करा के नहीं, घूर घूर के नहीं, गंदे इशारे करके नहीं। बट भारत में कुछ ऐसे भी दरिंदे पैदा हुए जिन्होंने इन सारी चीजों की हदें पार कर दी। हम सबको याद होगा 2012 का निर्भया गैंग रेप केस। आई होप सो कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स होगा जिसे इस चीज से डर लगा होगा कि यार इस हद तक चले गए तुम, मतलब इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। पता है गलती ना पेरेंट्स की नहीं है जो अपने बच्चों के लिए इनसिक्योर फील करते हैं। मुझे याद है मैं भी कुछ दिनों पहले अवार्ड शो में था, मेरे सामने फ्रंट पे 3 लड़कियां बैठी थी। घड़ी में 9:30 बजे नहीं कि बार बार उनकी मॉम का कॉल आ रहा था। वो मुझे ये देख देख के बहुत हंसी आ रही थी। इसमें गलती उस पेरेंट्स की नहीं है जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो समय समय पे आके डरा जाते हैं। आई एम श्योर जो लोग इस चीज का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं वही डेड डेविल्स कहलाते हैं। और आई थिंक हमें मंगला मणि से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोग कितने टाइम तक काम करते हैं। भाई 56 साल कम नहीं होते भाई, मेरी दादी तो इतने में राम राम का नाम ले रही है। कुछ लोग हमारे लिए न जाने किस किस चीज की खोज करने में लगे हुए हैं। कभी चेस खेला है आप सबने? आई एम श्योर 90% लोग खेलते होंगे या नहीं, लेकिन जरूर आपने देखा होगा कि जब कभी भी गेम की शुरुआत होती है तो सबसे पहली चाल किसकी होती है? 99% केस में लोग प्यादे से अपनी चाल बढ़ाते। तो कभी भी औरतों को कमजोर मत समझना। किसी अज्ञात कवि ने कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि पूजे कई देवता मैंने तब तुमको था पाया, क्यों कहते हो बेटी को धन है पराया। यह तो है माँ की ममता की छाया जो नारी के मन में आत्मा व शरीर में है समाया। मैं पूछती हूँ उन हत्यारे लोगों से क्यों तुम्हारे मन में ये जहर है समाया। बेटी तो है माँ का ही साया, क्यों अब तक कोई समझ न पाया। क्यों नहीं सुनाई देती तुम्हें उस जन्मी बेटी की आवाज जो करा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार। मत छीनो उसके जीवन का अधिकार, आने दो उसको भी जग में, लेने दो उसका आकार। तुम लड़की हो ये अच्छी तरह से याद रखना, तुम जब घर की चौखट लाओगी लोग तुम्हें टेढ़े ही मेरी नजरों से देखेंगे। तुम जब गली से होकर गुजरोगी लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सीटी बजाएंगे। तुम जब गली पार करके मुख्य रास्ते की तरफ पहुंचोगी लोग तुम्हें चरित्रहीन कहकर गालियां देंगे, लेकिन तुम व्यर्थ होगी अगर तुम पीछे मुड़ कर देखोगी, वरना जैसी जा रही हो बस चलती चली जाओ। और लास्ट में उन ताऊ की बिल्कुल कही बात याद आती है कि अबे लौंडो
तुम्हें तो बात तभी समझ आनी चाहिए जब शादी के लिए 1000 लोगों को घोड़ी चढ़ के जाते हो और वो शेरनी अकेली उधर से आती, तो ध्यान तो तुम्हें उसी टाइम आ जाना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि बहुत सी वुमेन्स को ये बात समझ आएगी। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को बेटियां ही कहना चाहिए, उसे बेटा कहकर मत बुलाइए, इससे उसे फील होता है कि उसमें कुछ कमी है। ऐसा मेरा मानना है। क्या है आपकी राय मुझे इस कमेंट में जरूर बताइए, और आप मुझसे अपने अंदर जो सारी बातें हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और मुझे ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।